वो सुने अनसुने किस्से जिसने मोदी को पीएम मोदी बनाया, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का खेवनहार बनाया। वो किस्से जो पीएम मोदी की जिंदगी के उन लम्हों में शुमार हैं, जो ता उम्र के लिए उनकी जिंदगी को बदल कर रख गए। वो किस्से जिसे सुनेंगे तो आप भी कहेंगे वाकई में मोदी है तो मुमकिन है। सिर्फ बात पिता के साथ चाय की दुकान पर चाय बेचने तक सीमित नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ गुजरात के सीएम और देश का पीएम बनने तक भी सीमित नहीं थी। इस सफर के दौरान वो किस्से जो पीएम मोदी को आज भी गुदगुदाते हैं, जानते हैं वो किस्से कौन से हैं। साल था 1975, कहते हैं तब इमरजेंसी लगी थी। तब पीएम मोदी एक सिख के वेश में 2.5 साल पुलिस को चकमा देते रहे। और हाँ, ये तो आप जानते ही होंगे कि पीएम मोदी को शुरू से ही दाढ़ी रखने का शौक रहा है। वैसे तो कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि पीएम मोदी शुरू से ही अपने ज्यादातर काम खुद ही किया करते थे। कपड़ों को धोने से लेकर साफ सफाई तक और कुर्ते पहनने का शौक तो उन्हें शुरू से ही था। और तो और जब सीएम थे तो कुर्ते की बाह को काट कर पहनने लगे और फिर बाद में ये उनका स्टाइल बन गया। और हाँ, एक बात और, पीएम मोदी ने अमेरिका में मैनेजमेंट और पब्लिक रिलेशन से जुड़ा 3 महीने का कोर्स भी किया हुआ है। वैसे तो शुरू से उन्हें घूमने फिरने का शौक रहा है और देश के भ्रमण का कई बार मौका भी मिला। इतना ही नहीं, 90 के दशक में पहली बार वो अपने दोस्तों के साथ अमेरिका गए और उन्होंने व्हाइट हाउस के बाहर तस्वीर भी खिंचाई थी। तब उन्होंने शायद सोचा भी नहीं होगा कि वो दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश हिंदुस्तान के दरनुमा होंगे। खैर, वैसे तो पीएम के जज्बे और आंदोलन के जरिए गलत के खिलाफ लड़ने की ताकत ने भी मोदी को पीएम मोदी की राह में ले जाने का काम किया। पीएम मोदी की जिंदगी में एक और बड़ा मौका तब आया जब वो मुरली मनोहर जोशी की अगुवाई में 26 जनवरी 1992 को गणतंत्र दिवस के मौके पर कश्मीर के लाल चौक पर तिरंगा झंडा फहराने के लिए निकले थे। वहां तक पहुंचने का सफर कन्याकुमारी से शुरू हुआ था और यात्रा के प्रबंधन का काम खुद नरेंद्र मोदी के हाथों में था। कहते हैं तभी से ही मोदी संघ के चहीते हो गए और देखते ही देखते वो सियासत के आसमान पर चमकने लगे। फिर वक्त आया साल 2001 का, जब उन्हें गुजरात की कमान सौंप दी गई। 2014 तक वो इतिहास को रचते रहे और 3 बार सूबे के मुख्यमंत्री बने। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पीएम मोदी के लिए 2 तारीख बहुत खास है? 1 7 अक्टूबर 2001, ये वो दिन था जब वो पहली बार गुजरात के सीएम बने। और फिर इसके बाद 26 मई 2014, जब वो हिंदुस्तान के 15वें प्रधानमंत्री बने। और हाँ, जहाँ तक परिवार की बात है तो जैसे कि आप जानते ही हैं कि मोदी जी के परिवार में 5 भाई बहन थे और पीएम मोदी दूसरे नंबर पर आते हैं। मगर जितना प्यार वो अपनी माँ से करते हैं, इतना प्यार वो किसी से नहीं करते। खैर, देश के लिए गर्व की बात है, आज पीएम मोदी जैसा नेतृत्व भारत को मजबूत कर रहा है। पाकिस्तान हो, चीन हो, रूस हो, इजराइल हो, या फिर अमेरिका ही क्यों ना हो, आज सब जानते हैं और मानते भी हैं कि भारत में मोदी है, और मोदी है तो मुमकिन है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑल इंडिया।